हम देखते हैं कि सफ़ेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन है, काला मोतियाबिंद के ऑपरेशन है, चश्मे की जांच है, कॉन्टैक्ट लेंस के लिए है, और सबसे बड़ी बात है कि पर्दे की स्पेशलिटी की सभी तरह की जांच और यहाँ पे ऑपरेशन सब तरह के किए जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर्दे का इस शहर में अभी तक कोई डॉक्टर नहीं था, तो मैं रेटना स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो इसलिए ये फैसिलिटी भी अपने यहाँ पर प्राइवेट में हम शुरू कर रहे हैं। और क्या फैसिलिटी लोगों को मिल पाएगी जो पहले नहीं है सिस्टम में? हाँ, इसके लिए जैसे कि यहाँ पे पहले हमारे हम देखते थे आरोपी जैसे होता है कि नवजात जन्मे जो बच्चे होते हैं या 7 माह से बच्चे होते हैं उनमें कुछ आरोपी चेंजेस होती हैं, जैसे उनका पर्दा की पूरी तरह ग्रोथ अभी हुई नहीं होती है, तो उस तरह के केसेस में ये ज़रूरत होती है कि एक रेटना स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहले उसकी जाँच करे, उसके बाद उसकी लेज़र या सर्जरी जिस तरह से भी उसको ज़रूरत है वो की जाए, तो वो सब फैसिलिटीज अब यहाँ पे इस हॉस्पिटल में और खैर मतलब इस शहर में पूरी तरह दी जाएगी जी। और कुछ ऐसा प्रोविज़न भी रखा गया है कि गरीब लोगों को या कुछ ऐसा जो अपना इलाज नहीं करवा सकते उनको कुछ विशेष छूट दी है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की सभी हम ज़रूर इस तरह का ध्यान रखेंगे कि जो भी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं या बहुत जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपनी इस तरह की फैसिलिटी, तो उनका हम पूरी तरह से अपनी तरफ से कर देंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह की रेटिनल डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है? ज़्यादातर हम आमतौर पर देखते हैं शुगर के मरीजों में ये काफ़ी तरह की रेटिनल डिजीज़ पाई जाती हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये बहुत ही एक कॉमन बीमारी है। मतलब हमने ये देखा है कि 5 से 10 साल के बीच में शुगर के मरीजों में जिनको 5 साल से ऊपर टाइम हो गया है, तो उनमें ये आमतौर पर डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत ही कॉमन चीज़ है। इनफैक्ट अगर 10 साल हो जाते हैं तो वो और बढ़ जाएगी, 15 साल है, एक बार तारीख हो जाती है, ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज प्रॉपर करवाना ये बहुत ज़रूरी होता है। ये सब लोगों को एटलीस्ट ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके हाइड्रॉक्स